हे गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, जिसको हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं होता, इसीलिए हम उसे एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। और लैम्डा एक्सप्रेशन पाइथन का काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा कि ये पहले सिर्फ पाइथन में था और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यह टॉपिक पाइथन से इंस्पायर हो गया है। फॉर एग्जांपल जावा में आ चुका है, C++ में आ चुका है। तो अब बात करेंगे हम कि लैम्डा एक्सप्रेशन होते क्या हैं। देखिए, लैम्डा एक्सप्रेशन एक फंक्शन है जिसको हम एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं और इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल फंक्शन मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल ऐड। आपने एक बात नोटिस की कि मैं जब भी ये फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ऐड करने का, तो मैं सम नाम नहीं ले रहा। सम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि सम पहले से ही डिफाइन है, इसलिए मैं ऐड लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐड। आप सम नाम का फंक्शन बना सकते हैं, बट मैं बना नहीं रहा। ओके, तो ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी। तो ऐड नाम का फंक्शन ये दो आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न करेगा दोनों का सम। ओके, अब इसी फंक्शन को हम लैम्डा एक्सप्रेशन से बना के देखेंगे। देखिए बनाना कैसे, आपको सबसे पहले लिखना है लैम्डा, लैम्डा ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेगा, दो आर्गुमेंट लेगा, फिर कोलन, और रिटर्न क्या करेगा, दोनों का सम ए प्लस बी। ओके, तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब बात आती है इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखिए आप इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐड टू। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐड टू, और मैंने इसमें पास करा दिए दो नंबर 2, 3, और जो भी आउटपुट आएगी मैं उसको प्रिंट कराऊंगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए मेरे पास 5 आंसर आ रहा है। एक बात और, हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करते, या मैं बोलूँ तो अपने लैम्डा फंक्शन को अपने वेरिएबल में असाइन नहीं करते। बट हम क्यों कर, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली में हम जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन के साथ। यूज़ करते हैं हम कौन से बिल्ट इन फंक्शंस, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, इस टाइप के फंक्शंस के साथ हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। और ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसी चैप्टर के लिए मैं आपको लैम्डा एक्सप्रेशन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन डिफाइन करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले लैम्डा। ओके, उसके बाद ये कितने आर्गुमेंट लेगा, दो, ए कोमा बी, कोलन, रिटर्न क्या करेगा, ए मल्टीप्लाई बी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करके देखता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं पास कराता हूँ दो नंबर कोई 2, 3, और जो भी आंसर आएगा मैं उसको प्रिंट कराऊँगा। देखिए 6 आंसर आ रहा है मेरे पास। तो ये प्रूव करने के लिए कि लैम्डा एक्सप्रेशन या लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है, मतलब इनका कोई नाम नहीं होता, तो उसको प्रूव करता हूँ मैं। देखिए ये मेरा है फंक्शन ऐड, इसका नाम है, बट इस लैम्डा एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं है, इस लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं है। कई लोग सोचते हैं इसका नाम ऐड टू हो चुका है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं सिर्फ प्रिंट करूँ ऐड, देखिए मैं अपने फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ प्रिंट ऐड। अगर आपको फंक्शन कॉल करना होता है तो आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट ऐड लिख रहा हूँ। देखिए अब क्या आउटपुट आएगी मेरे पास, तो ये देखिए फंक्शन ऐड, और ये किस लोकेशन पे है मेरी मेमोरी में, वो हैश कोड। तो अगर मैं सेम काम करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट ऐड टू, तो इसका कोई नाम नहीं होगा, देखिए ये सिर्फ लैम्डा लिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट मल्टीप्लाई लिखूँ तो उसमें भी लैम्डा लिखाएगा, इसका कोई नाम नहीं है। ये देखिए लैम्डा और ये लैम्डा, तो इनका कोई नाम नहीं होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।